जब आप उनके साथ फिल्म बनाते हो तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाते हैं. सो यू हैव टू बी इवन दैट श्योर रिगार्डिंग योर स्क्रिप्ट व्हेन यू गो अप टू हिम, बिकॉज़ भाई है लेकिन प्रोफेशनल है. तो देखो, बॉलीवुड में एक फिल्म का जिक्र बहुत सालों से हम सुन रहे हैं, और ये तब से सुन रहे हैं जब कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट करते थे, जो सोनी पे आता था, जब उसके होस्ट हुआ करते थे हमारे सुहेल खान जी. हम बात कर रहे हैं शेर खान की. शेर खान का अनाउंसमेंट तब उन्होंने कहा था कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा जिसमें सलमान भाई हैं, जिसके लिए कपिल शर्मा ने कहा था आप भाई मुझे भी ले लो. उन्होंने कहा था ठीक है मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लूंगा सलमान खान के साथ में. तो तब से इसका जिक्र चलता आ रहा है, जो कि कई साल गुजर गए. अब इस पे भी फैंस की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कब ये फिल्म का अनाउंसमेंट होगा शेर खान का. बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी, क्योंकि मई जून में सुहेल खान ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में आके साफ बोला कि 2024 में इस फिल्म का फुल ऑन अनाउंसमेंट होगा. ये वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, आप इस वीडियो को देखो और खुद आप जज करो कि ये फिल्म आए कि नहीं, क्योंकि इनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये फिल्म बनेगी जरूर 100%. वर्किंग ऑन समथिंग इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर एक सोहेल खान डायरेक्टेड फिल्म होगी थिएटर्स में. जिस पे काम कर रहा हूं वो एक एक्शन फिल्म है, बट दिमाग में थोड़ा है क्या कुछ बड़ा करे, कुछ बड़ा करे, कुछ एक्शन करे. फर्स्ट चॉइस तो वही होती है क्या भाई के पास जाए, लेकिन उनके साथ उनके एक्सपेक्टेशंस जो ऑडियंस है वो भी ध्यान में रखना. अब कब बनेगी, कैसे बनेगी, किसके साथ बनेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है. और सलमान खान के फैन के अंदर इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात को जानने के लिए कि सलमान भाई ये फिल्म कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं. लेकिन आपको बता दें, अगर ये 2024 में अनाउंसमेंट इसकी होती है जो कि सोहेल खान ने बताया, याद रखो ये फिल्म 2026 के बाद ही आएगी, उससे पहले सलमान भाई के पास डेट्स नहीं है. सलमान के बर्थडे में 3 फिल्मों का अनाउंसमेंट होने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है. बर्थडे में जो 3 फिल्म अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें शेर खान का नाम तो नहीं है, लेकिन फैंस उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि कौन सी फिल्में वो 3 होने वाली है, जिसमें एक फिल्म कन्फर्म मानी जा रही है, वो है द बुल, दूसरे नंबर पे आ रही सूरत और बढ़ जाते की फिल्म, और तीसरे पे कहीं कहीं से उड़ती हुई खबर आ रही कबीर खान को, वो तो फिर 27 दिसंबर आने वाला है, बट भाई का बर्थडे उस दिन क्लियर हो जाएगा. शेर खान के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, देखो ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सुहेल खान का. अब लोग कहेंगे इतने अरसों से हैं बनी नहीं तो इसका मतलब पोस्टपोन अब नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है. आपको बता दूं, बाजीराव मस्तानी 16 साल का सपना था संजय लीला भंसाली का, आखिर वो बना, तो ये फिल्म भी बनेगी. और आपको पता है ना 2023 में जैसे कि इंटरव्यू में आपने देखा कि इसका अनाउंसमेंट किया कि बहुत जल्द इसके ऊपर बात होगी, तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला कि सलमान खान का ये जो अवतार होगा शेर खान का ना, वो भी कमाल का होगा. सुहेल खान एक अच्छे डायरेक्टर है, जिन्होंने जय हो फिल्म बनाई थी, कमाल की जबरदस्त फिल्म बनाई थी, लेकिन उसके साथ थोड़ा विवाद हो गया था जिससे आप उसको बायकॉट किया था, लेकिन फिल्म बहुत ही कमाल की थी. देखना काफी दिलचस्प होने वाला, आप कितना एक्साइटेड हो इस बात को लेकर कि आपको शेर खान में सलमान खान चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से क्या लगता है. वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना. ओके डाबा, सी यू अगेन. कपिल और सलमान क्या हाल है भाईजान.